कि इसी जीवन से उस गोविंद की प्राप्ति हो जाए जिस गोविंद को हम प्रेम करने लगे हैं, जिनकी कृपा से हम जीने लगे हैं, जिनकी कृपा से हम खाने लगे हैं, जिनकी कृपा से हम पीने लगे हैं, जिनकी कृपा से हम व्रती हो गए। और यही वो स्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए हम और आप इस देह को प्राप्त किए हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है, न है न हो सकता। ईश्वर प्राप्ति ही सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करना है, उसके अलावा उससे नीचे कुछ नहीं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, इसके अलावा कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, इस विचार के साथ जीवन जीना है। और यही विचार है जो जीवन को आनंद और सुख की प्राप्ति कराकर हमें गोविंद के ठिकाने तक ले जाता है, अर्थात उस यात्रा को पूरा करा देता है। ये यात्रा की सुगमता ही तो है कि हमें नित्य कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, हमें धामों में जाकर दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, हमें सौभाग्य मिलता है कि हम अपने सौभाग्य को महासौभाग्य में बदल दें, हमें प्राप्ति होती है। और यही वो प्राप्ति है जो प्राप्ति हमारे शिखर को, हमारे आयामों को उन्नत कर देती है, सुंदर कर देती है। यही प्राप्ति का सच्चा सुख है, जब उसकी याद आए और आंखें नम हो जाए उसकी कृपा को सोचकर, कृपा और अनुभूति के साथ साथ। यही धर्म है। तुम्हारा सच्चा धर्म वो है जब तुम्हारे अंदर करुणा जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर अंदर लोग और तुम जाग जाओगे। तुम्हारी पूजा की स्वीकारोक्ति तभी है जब आपकी पूजा स्वीकार की जा रही है, तो समझ लेना आपकी पूजा को गोविंद स्वीकारी तब करेंगे जब आप प्रेममय हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे, दयामय हो जाओगे, करुणामय हो जाओगे, भक्तिमय हो जाओगे, ज्ञानमय हो जाओगे, वैराग्यमय हो जाओगे, अध्यात्ममय हो जाओगे, गोविंदमय हो जाओगे। उसके हो जाना, उसका हो जाना। श्रीमद् भागवत कथा का जो मूल है, मूल वो है उसका हो जाना। टू नो द गॉड, टू नो द सुपर पावर, अल्टीमेट पावर, उसको जान लेना इस जीवन का मूल है, मूल। और आपने जिस दिन इस विचार पर काम कर लिया, ध्यान रखना कोई बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि कभी कोई गोविंद तुम्हें मिल नहीं पाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है, मिल जाएंगे, लेकिन तुम खोजी तो बनो। तुम्हारी खोज उन आयामों को तय करेगी और एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हें होना चाहिए। प्रतिदिन उठकर तुम पूजा करते हो, अर्चना करते हो, सब करते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर इन सब के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में दुख हैं, पूजा में हो, भंडारे में हो, प्रार्थना में, सब जगह तुम अपने आप को इंगित किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जीवन में तुम्हें किसी प्रकार का दुख है, अब इसको, मेरी बात को थोड़ा सा और गहराई से समझिए। जीवन है, उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, तुम्हें उस बात का अगर दुख हो गया, दुख का दुख अगर तुम्हें हो गया, तो समझ लेना कुछ कमी है, क्योंकि जो दिया उसने दिया, जो 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 देगा वही देगा, अच्छा दे या बुरा दे। और प्रीतम की डांट और प्रीतम का प्यार, दोनों ही प्यार होता है, वो हमारे प्रीतम है। इस आत्मा का सच्चा प्रीतम परमात्मा है, और जब प्रीतम से प्रेम सच्चा हो गया
कहते हैं ना कि जब ओखरी में सर दिया तो मूसर से क्या डरना। तो बस ये तो प्रेम की बात है उदो बंदगी, यहां तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। तो जिस दिन ये स्थिति हम अपनी अपनी ले आए, दो बातें जीवन में ध्यान रखिएगा, एक कष्टों में कष्ट ना हो। जैसे भीष्म को कष्टों में कष्ट नहीं हुआ, भीष्म सुख से थे। जिन्हें कष्टों में भी कष्ट नहीं है वो भगवान की प्राप्ति सरलता से पा लेता है। जिन्हें कष्टों में भी कष्ट नहीं है उसे ईश्वर प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है, अपने जीवन को अगर कष्टों में आपने बिदा लिया और आपने ये सोच लिया कि ये समस्या है तो समस्या में ही बीते रहोगे, कभी आगे जा ही नहीं पाओगे, कभी अपनी स्थिति को सुदृढ़ और महान कर ही नहीं पाओगे। अपने आप को इस लायक बनाओ कि परमात्मा तुम्हें देख देख के प्रसन्न होते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने कर्मों को इतना सुंदर कर दो कि गोविंद तुम्हारे तुम्हें एक बार देखे बिना वो न रह पाए। इस अटलता और विश्वास के साथ अपने जीवन को जियो और तुम देखना एक दिन तुम बहुत महान हो जाओगे, बहुत सुंदर हो जाओगे, बहुत अनन्य हो जाओगे, बहुत 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 सुंदर हो जाओगे। अपने इसी विश्वास के साथ अपने परमात्मा के निकट जाने की पूरी तैयारी कर लो, तब तुम देखना कि तुम्हारा वैभव कितना महान हो जाने वाला है। बस यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें यह सौभाग्य मिला है इस मानव मंदिर सेवाश्रम की सेवा करते हुए। आपका सबका अपना मानव मंदिर सेवाश्रम, जिसका सतत निर्माण आप सबके सहयोग आशीर्वाद और प्रेरणा से हो रहा है, आप ही की हजारों दुआएं रोज आश्रम को मिलती हैं और आश्रम अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे निकल जाता है और ये अपनी ऊंचाई अपने शीर्ष को छू रहा है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सबके सहयोग से संभव हो पाया। निश्चित मान के चलिएगा ईश्वर ने आपको बहुत प्रेम से चुना है इस महान कार्य में, क्योंकि आपका साथ ना होता तो इतने विकट परिस्थितियों में इस निर्माण को निर्विरोध कैसे चलाया जा सकता था। यह निर्माण निर्विरोध अपनी गति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, निर्विरोध। एक महान दर्शन है परमात्मा का हमारी हम सब पर कृपा करने वाला। तो आप और हम अपने जीवन की अनंत अनंत इन संभावनाओं को गोविंद के चरणों में छोड़कर अपने जीवन को सुंदरता से जिए, तब आप देखिएगा कि जीवन में आनंद हो जाएगा, क्योंकि हमें सेवा करने का मौका मिला है। आज आपके पास एक सबसे अच्छी जो फीलिंग है वो ये है कि आपका एक घर वृंदावन में भी है मानव मंदिर के रूप में। आप जब वृंदावन आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए आपका अपना एक घर है मानव मंदिर के रूप में, जो आपका अपना है। और ये जो आपका अपना है ये भी तो गोविंद ने आपका ठिकाना बनाया है, आपके हमारे कर्मों सत्कर्मों की जो भी स्थिति रही हो उस सब को सोचकर, उस सब को ध्यान में रखकर। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सबका मानव मंदिर अपने निर्माण में निरंतर बढ़ा चला जा रहा है, निरंतर, और एक अच्छी बात है। आपके अंदर दया है, आपके अंदर ममता है, आपके अंदर प्रेम है, करुणा है,
तभी तो आप इस संयोग को बढ़ाते हुए आज इस आश्रम को अपनी स्थिति दे चुके हैं। अब बहुत जल्द उन सब के लिए एक ऐसी स्थिति जिन्हें यहां आकर अपने आनंदमय जीवन को जीने का मौका मिलेगा, उनके लिए लगभग तैयारी अपने अंतिम चरण में है। और यही वो आनंद है जिस आनंद की प्राप्ति प्रत्येक जीव को एक दिन करनी है। बहुत जल्द उन सब लोगों के रुकने ठहरने के लिए कक्ष, जिनमें से कई कक्ष आप सबके द्वारा, महानुभावों के द्वारा यहां दान के रूप में पहुंचाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें कक्षों की जरूरत है उसी तरीके से हमें भूमि की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। भूमि होगी तो आश्रम का विस्तार होगा, भूमि होगी तो और व्यवस्थाओं का विस्तार होगा। और उस कार्य को आप ही के द्वारा संचालित और बढ़ाया जा रहा है, तो ये बड़ी कृपा है गोविंद की कि हमें और आपको ये सुंदर सौभाग्य मिला है।